सो फाइनली मैंने मुझे मूवी देख ली एंड बात करेंगे इसी मूवी के बारे में एंड क्या है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपकी को नई वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज हम रिव्यू करेंगे मुंजा मूवी का, जिसके मेन लीड पे आपको देखने को मिलेंगे शर्वरी, अभय वर्मा एंड सत्यराज। मूवी हमारी बेस्ड है हॉरर कॉमेडी के ऊपर एंड ये पार्ट है थ्री यूनिवर्स का। सो आइए बात कर लेते हैं इसके स्टोरी लाइन के बारे में। मुंजा जो की एक काइंड ऑफ ब्रह्म राक्षस या प्रेतात्मा है जो की एक पेड़ के अंदर दफन हो चुकी है। जहाँ मूवी स्टार्ट होती है बिट्टू की लाइफ से, जो की एक सैलून या मैं बोलूं ब्यूटी पार्लर में काम करता है अपनी मम्मी के, एंड वो प्यार करता है बेला नाम की लड़की से, बट उसका खट्टा रहता है मूवी में जो की आपको देख के पता चली जाएगा। एंड कुछ टाइम के बाद वो चटुकबाड़ी जाने का फैसला लेते हैं जो की उसकी दादी का घर होता है। एंड करंटली वहाँ उसके अभी चाचा रहते हैं बिकॉज दादी तो इनके पास रहती है। एंड आगे आपको देखने को मिलेगा जब बिट्टू उस पेड़ के पास जाता है तो मुंजा कैसे उस पे कब्जा करता है। एंड वही सब जो हमें ट्रेलर में दिखाया गया कि मुंजा बचपन में मुन्नी नाम की लड़की से शादी नहीं कर पाया क्योंकि वो औकात और उम्र में उससे ज्यादा बड़ी थी। एंड वो अब रिहा हो ही चुका है तो वो शादी भी करना चाहता है बेला नाम की लड़की से। जहाँ हमें मूवी में देखने को मिलेगा मुंजा शाम के 6 बजते ही बिट्टू को देखने लग पड़ता है बिकॉज ऑफ उसका ही खून होता है। वो आपको मूवी में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मूवी में हॉरर सीन आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे एंड कॉमेडी भी। एंड बात करो एक्टर की एक्टिंग की तो भाई आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने। सो लास्ट में होता क्या है एंड मुंजा को ये कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मुंजा इज अ पार्ट ऑफ थ्री यूनिवर्स। सो इसकी नेक्स्ट मूवीज आपको देखने को मिलेगी एंड इसमें आपको एंड क्रेडिट सीन देखने को मिलेगा, तो गाने के बाद उठना मत, एंड क्रेडिट सीन देख के ही जाना। सो बात करूँ मैं अपनी की मूवी मुझे पर्सनली कैसे लगी, तो मूवी मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा अच्छी निकली। सो मूवी इज गुड, नो डाउट मूवी आपका वन टाइम वॉच डिजर्व करती है। मूवी में आपको कोई भी एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलेंगे, हालांकि आपको वो गुलाब जामुन वाला सीन थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है। एंड ऑल्सो इसमें हॉरर सीन्स तो है ही, सो यू कैन डिसाइड किसके साथ देखना और किसके साथ नहीं। सो ये थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू इस मूवी को लेके। एंड अगर आपने ये मूवी देख ली तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी ये मूवी। सो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। एंड तब तक देखते रहिए बोचल वीडियो।